ग्रेट मॉर्निंग ऑल, संदीप नरवाल दिस साइड वंस अगेन। हाय, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। और नेस्विस में आप मस्ती से जी रहे होंगे, नेस्विस के पैसे से खूब अय्याशियां नहीं कर रहे तो अय्याशियां मींस ऐश और ऐश मींस लग्जरी नहीं कर रहे तो कर लोगे, कोई इशू नहीं है। और उन्हीं लग्जरीज को कैसे अचीव किया जाए तो उसी के लिए अभी सोच रहा था मैं ड्राइव करते करते, तो कि क्या आज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि सबसे जरूरी मुझे लगी पिछले करीबन 6-7 दिन में, जो विच आई फेल्ट। सो आई एम यू नो आई विल एक्सप्लेन यू कि वो कौन सी चीज है। कैन यू गेस कि कौन सी चीज है जो एक प्लान में क्लोजिंग लेके आती है या एक अपलाइन के लिए एक अच्छा इंप्रेशन बनाती है गेस्ट के आगे? आया कुछ दिमाग में? अब मैं बताता हूं, नहीं आया तो आई थिंक किसी का सही भी हो सकता है और नहीं तो मैं सही बता देता हूं। उसे बोलते सर टेबल एटिकेट्स। जब आप टेबल पे बैठे हैं ना तो आपके एटिकेट्स क्या हैं, मतलब कि आपका डेकोरम क्या है या आपका आपके उस टाइम पे शिष्टाचार जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो आपका टेबल पे हाव भाव क्या है। देखो टेबल एटिकेट्स वैसे देखा जाए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज टेबल एटिकेट्स है। आपने किसी इंसान को बुलाया प्रोस्पेक्टिंग करके, बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करी, मतलब जैसे बोलते हैं परफेक्ट सब कुछ रहा, इवन एडिफिकेशन भी कर दिया आपने, लेकिन अगर आपका टेबल पे एटिकेट्स अच्छा नहीं है ना तो वो प्लान जीरो हो जाता है। वहीं पे आपकी जो आपने फोन पे एडिफाई किया था ना अपलाइन को, तो तुरंत आपका गेस्ट समझ जाता है कि ना ये सब झूठ था, ये ऐसा नहीं है। और वो कैसे होता है नाउ मैं बताता हूं अब आपको, नाउ आई एक्सप्लेन कि कैसे टेबल एटिकेट्स को परफेक्ट किया जाए। स्टार्टिंग से चलते हैं, जैसे कि कोई गेस्ट आता है या आता है तो सबसे पहले टेबल एटिकेट्स ये बोलते हैं कि कभी भी जिसने प्लान देना है वो कभी भी गेस्ट से पहले पहुंचे ना, मतलब हमेशा गेस्ट पहले पहुंचे, चाहे बाहर बैठना पड़े अपलाइन को बैठे। आप जैसे कि कोई आया, सपोज मेरी टीम में जैसे कोई ए बंदा किसी बी को लेके आया, तो मेरा रूल ये बनता है कि ए और बी पहले उस टेबल पे जाके बैठे, उसके बाद में मैं जाऊं वहां पे, चाहे मेरे को 5-10 मिनट वेट करना पड़े। दूसरा, जैसे ही अपलाइन वहां पे टेबल की तरफ जाता है तो सबसे पहली चीज जो करनी है आपने वो ये करनी है कि आपको एडिफिकेशन, जो एडिफिकेशन वाला पार्ट है ना आपका, वर्बली कुछ और होता है, आपको एडिफिकेशन उस टाइम पे दिखानी होती है। दिखानी कैसे? कि जैसे आपके अपलाइन आए, एंटर किया उन्होंने, तो यू हैव टू स्टैंड फ्रॉम योर चेयर, आपको अपने जहां पे बैठे हो तो खड़े हो जाना है। वो एक दिखाता है कि भैया आपने जो वर्बली किया है ना, तो एक ये देखो ऑटोमेटिक होता है, अगर हमारे कोई घर परिवार में कोई बड़ा आदमी आता है तो ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, हम अगर बैठे हुए तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे कोई अंकल आए हैं तो हम क्या करते हैं, याद करो हम खड़े होते हैं उनको विश करने के लिए या उनको ग्रीट करने के लिए। क्योंकि वो एक्चुअली इज्जत कभी बताई नहीं जाती कि मैं इतनी इज्जत करता हूँ, इज्जत हमेशा दिखाई जाती है कि हाँ मैं आपको आपकी इतनी इज्जत करता हूँ। तो देखो अपलाइन चाहे कोई भी हो तो आपको खड़ा होना पड़ता, तो इससे क्या होता है आपका गेस्ट जो होता है ना वो देखता है, अरे यार अच्छा तो सच में कोई अपलाइन आया है। दूसरी चीज, क्योंकि वो अपलाइन मतलब कोई शख्सियत आई है क्योंकि इनके लिए खड़े हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कोई रिस्पेक्टेबल आदमी आया है। अगर आप खड़े नहीं होंगे ना, आप आराम से बैठे हुए हैं और अपलाइन आया वो भी आके बैठ जाए, तो देखो एक चीज सोच के देखो कि अगर आपको किसी से मैं मिलवाऊं और मैं मिलने के टाइम उनसे जब मैं आपको मिलवा रहा हूं और खड़ा वो मैं खुद खड़ा ना हूं तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट कम करेंगे। ये खुद पे अप्लाई करके देखा कीजिए कभी, है ना, ये चीजें तो। और दूसरी चीज ये, जैसे ही बैठे तो हैंडशेक करें। देखो अगर आप सुपर सीनियर आ रहे हैं, अगर आप उनके, मैं ये नहीं कह रहा मैं कि पैर छुओ ये टाइप, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, लेकिन अगर वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल, अगर दिल से इज्जत आपकी इतनी आ रही है उनके लिए, तो यू कैन टच हिज फीट एज वेल, उसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपका अपलाइन आपको करोड़ रुपए कमवा के देने वाला है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं इस चीज को, बट हाँ यू कैन डू इट। इससे क्या होता है और इज्जत बढ़ जाती है कि हाँ यार कोई और बड़े यू नो कोई जबरदस्त इंसान है आपका गेस्ट, ये आदमी सोचता है। दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या होती है, हमेशा गेस्ट को ऐसी जगह पे बिठाओ जहां से उसका जो फ्रंट है ना वो दीवार पे रहे, मतलब जो उसका नजर है ना तो गेट की तरफ ना रह के उसको ऐसे बिठाओ, उसको गेट ना दिखे, भीड़ ना दिखे, उसको दीवार दिखे। दिस इज द थर्ड थिंग, ये नोट कर लें आप बेशक, अभी अपना डायरी में चाहे नोट्स बना सकते हैं, तो उसको ऐसी जगह बिठाएं। फोर्थ क्या है, उसके मोबाइल को साइलेंट करवा दें, क्योंकि क्या है ना बार बार में अगर उसका फोन आएगा ना, उसको बोल दो कि देखिए यार 40 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 40 मिनट का मीटिंग है सर, बड़ी दूर से आए हैं। अगर आपने इतना कर दिया ना तो एडिफिकेशन में तो वाइब्रेशन, देखो वैसे भी अगर आप उसे उन 40 मिनट में बिल्कुल डरा के रखोगे, डरा इन द सेंस मैं ये नहीं कर रहा कि धमकाना उसको,
बट हाँ एक थोड़ा सा माहौल ऐसा क्रिएट करके रखोगे ना कि आप सुपीरियर हो उस टाइम पे, तो देखो वैसे भी 40 मिनट में दो चीजें होंगी, या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो नहीं जुड़ेगा तो क्यों उसकी मतलब आगे बीफ टाइप आइटम करना हमने, मतलब अगर उसका हमने मोबाइल उसको थोड़ा सा सुपीरियर हो गया उसका साइलेंट करा दिया तो जुड़ने का चांस ज्यादा है ना यार। वो सोचेगा यार ये कभी मेरे से पहले तो ऐसा नहीं बोलता था, लेकिन आज अगर यहां बैठा तो इसका मतलब ही इज इन गिविंग मोड, ये देने वाले मोड में है, ठीक है राइट। तो देने वाले मोड में तो उसका फोन साइलेंट करवा दे कि देखो सर बड़ी मुश्किल से आए हैं तो फोन अपना करो साइलेंट, मैं भी अपना साइलेंट करूं और अपना भी फोन साइलेंट कर दें, ठीक है। फ्लाइट मोड में भी लगा सकते हैं अगर कोई ज्यादा सुपीरियर सीनियर आया तो, क्योंकि देखो उस आदमी के पास जो सुपीरियर सीनियर है एटलीस्ट जो एमरेड एंड अबव, उसके पास हजारों लोगों की टीम है, एंड अपने हजारों लोगों को छोड़ के अगर वो आपका प्लान देने आए तो उनका 5 मिनट भी वेस्ट ना करवाएं। एडिफिकेशन जबरदस्त होनी चाहिए, और होती तभी है जब वो दिखती है, बताने से कभी एडिफिकेशन नहीं होती है, दिखती है। अगली जो चीज करनी है आपको फोन साइलेंट करवा के, अगर वो फोन भी यूज करे तो देखो उस टाइम पे आप सुपीरियर हो, आपको जो अच्छा लगता है वो करवाओ उससे, क्योंकि आप एक वो आदमी हो जो उसकी जिंदगी बदलने वाले हो, समझ रहे हो आप। तो 500 रुपए के लिए मतलब मत भीख मांगो उससे, उसके ऊपर कमांड रखो उस टाइम पे पूरी पूरी, क्योंकि 40 मिनट वो आपके लिए है, आपका ही आदमी है समझ लो वो, क्योंकि कल को डाउनलाइन है, मतलब कल को बनेगा, जब बनेगा पहले डाउनलाइन मान लो, क्योंकि उसको करेक्ट करना भी जरूरी ना स्टार्टिंग से। अगर मान लो प्लान देने आए, सपोज त्रिवेजी प्लान देने आए, तो त्रिवेजी के साथ ही काम करना है ना, जो भी डाउनलाइन आएगा उसने, तो अगर पहले दिन से त्रिवेजी की इज्जत बना के रखेंगे हम प्लान के दौरान ही, तो कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे एडिफाई करवाने की कि भैया ये देखो ये हमारे अप्लाई नहीं, हमारे अप्लाई नहीं, क्योंकि वो प्लान के दौरान ही समझ चुके हैं कि कौन आदमी है त्रिवेश कुमार जी। चलो दूसरी नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि उसको फोन ना यूज करने दें। छठी है कि अपना भी ना करें। सातवीं है कि हमेशा गर्दन हिलाते रहें, यस सर नो सर करते रहें हमेशा, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका डाउनलाइन जो आपका गेस्ट हो आपको देख रहा है। सातवीं चीज क्या है कि ड्रेसिंग सेंस आपका जबरदस्त होना चाहिए, बहुत जबरदस्त ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि नेस्विस की शर्ट या कोट पैंट पहन के आए प्लान के दौरान, क्योंकि जब उसकी बात आती है अपना पैकेज बताने की तो इट इज बेटर कि अपना कोट खोल के दिखाओ, देख भाई ये नेस्विस का कोट है, इंस्टेड कि वो बोले कि भाई मैं पहले तुम्हारा फैब्रिक देखूंगा जाके तुम्हारे शोरूम पे, क्लोजिंग में दिक्कत आएगी नहीं तो फिर बाद में ये देख लेना, मैं तुम्हारा कोट पैंट देख के आऊंगा फिर मैं देखूंगा कि भैया किस क्वालिटी के, तो इससे अच्छा अपना पहन के दिखाई दो भैया देखिए कोट पैंट है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। और अगली क्या टिप है टेबल एटिकेट्स में, कि हमेशा टेबल पे पॉजिटिव ही बात करें, और प्लान स्टार्ट होने से पहले एडिफिकेशन जबरदस्त करें अलोंग विद योर विजन डिक्लेरेशन। विजन डिक्लेरेशन क्या है वो बता देता हूं आपको। विजन डिक्लेरेशन एक ऐसी चीज है, जैसे ही कोई बंदा आए ना, जैसे आपका गेस्ट आया, तो यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। मतलब ये ना हो आप भी आ गए, गेस्ट भी आ गया, अपलाइन भी आ गया, अब आप अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहे। मैंने देखा कई लोग, मतलब इवन मैं भी देता हूं प्लान, तो भाई मैं पहुंच गया तो गेस्ट भी चुप बैठा है, मैं भी चुप बैठा हूं, और जो मिलवाने वाला वो भी चुप बैठा है। अरे भाई मेरा कोई थोड़ी जानने वाला है, आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है वो ध्यान से सुनो, और यही परफेक्ट इंट्रोडक्शन है जो मैं बताने वाला हूं। एडिफिकेशन लास्ट वहां पे होती है, टेबल पे खड़े होने के बाद, उसके बाद एडिफिकेशन। कि सपोज एग्जांपल त्रिवेश सर का एग्जांपल लेते हैं, कि गौरव सर, गौरव भाटिया सर, तो गौरव सर त्रिवेश सर ये मेरे दोस्त हैं जिनका नाम है सचिन। सचिन मैंने बताया था आपको शायद फोन पे जब मेरी आपसे बात हुई थी, ये जॉब करते हैं और ये जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा ढूंढ रहे हैं और बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, और आज हमारे साथ ये काम को स्टार्ट करने आए हैं। स्टार्ट जरूर बोले, मतलब कि इसे बोलते हैं अजम्पशन क्लोजिंग के, मतलब प्लान सुनने से पहले भी आपने बोल दिया कि स्टार्ट करने आए हैं, तो समझ रहे हैं स्टार्ट करने आए का मतलब कि भैया आप अपने अपलाइन की टाइम की वैल्यू को किल नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज अब उसकी एडिफिकेशन इतनी करनी, ज्यादा मत बताना क्योंकि ज्यादा आप वो आपका अपलाइन आपसे पूछ लेगा फोन पे पहले से ही, बस इतनी उसके आगे करनी है जब टेबल पे बैठ चुके हैं। उसके बाद में क्या करना है आपने, उसके बाद में आपने अपलाइन की एडिफिकेशन करनी स्टार्ट करनी है। तो सचिन जी, सचिन भाई, सचिन दोस्त, या जो भी सचिन मैंने जिनके बारे में बताया था ना, जो मेरे सुपर सीनियर हैं, जिनसे मैं बहुत मतलब लाइफ में जो कुछ सीख रहा हूं आज के टाइम पे, ही इज माय आइडियल, इनसे ही सीख रहा हूं, एंड ही इज ऑन यू नो ही ऑन दैट पाथ के लोगों सक्सेसफुल बना रहे हैं, और मैं इनके ही साथ रह के बिजनेस कर रहा हूं और जबरदस्त बिजनेस, और ये मतलब ये लगा लो इन्होंने आधा पौना घंटा भी दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज ही सो मच सक्सेसफुल के पास टाइम ही नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया तेरे लिए। और गौरव सर की क्या बात बताऊं, जबरदस्त इंसान है अपने आप में, है ना। और देख भाई मेरा विजन, अब अपना विजन बताओ, विजन डिक्लेरेशन अब बता रहा हूं मैं,
देख, जिस चीज के बारे में अब सर डिस्कस करेंगे ना तेरे से अगले 40 मिनट में, जो हम डिस्कस करेंगे, जो बिजनेस स्टार्ट करना हमने अभी बैठ के बात, दूसरा आपने ये बात बोली कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमें बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो ये 40 मिनट में सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। और देख 40 मिनट की ऐसी ये चीज होगी कि मेरा इस बिजनेस से जो विजन है ना, वो आदमी को देख के बात करें, मेरा विजन है भाई 20 लाख रुपए इस साल कमाने का अलॉन्ग विद माई जॉब। या ज्यादा बोलना मतलब देखो, आदमी को देख के बात कर रहे हैं, अगर आप एक आदमी ऑलरेडी यार 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो तो उसको 20 लाख मत बोलो, उसको बोलो 40 लाख, हैसियत के हिसाब से थोड़ा सा वो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और मैं तो ये कहूंगा यार, अपना एक परमानेंट विजन ही बना लो, जो मैंने बना रखा है कि भाई मैंने अगले 2018 में कमाना है 1.25 करोड़ रुपया। तो और देख, मैं 1.25 करोड़ कमाऊंगा ना, मैं तो ये बोल देता हूँ कि मैं 1.25 करोड़ कमाऊंगा ना यार, तो सिंपल सी लॉजिक है कि मैं, आप बोलो कि देख भाई मैं 20 लाख कमाऊंगा ना, तो ये बिजनेस ऐसा है कि मेरे को तेरे को ना 10 लाख रुपए कमवाने पड़ेंगे। तो भाई 10 लाख रुपए के लिए बात करेंगे सर तेरे अभी, तो वो पता है किसी भी, किसी के लिए भी नहीं सुनेगा, वो किसी चीज के लिए भी नहीं सुनेगा, वो सुनेगा सिर्फ ना आइडेंटिफिकेशन के लिए ना किसी चीज के लिए, वो सुनेगा सिर्फ अपने 10 लाख रुपए के लिए, 10 लाख रुपए, क्योंकि आपने विजन डिक्लेरेशन ऐसा कर दिया, तो 10 लाख रुपए के लिए सुनेगा। फिर प्लान देना स्टार्ट करो, और टेबल एटिकेट्स में लास्ट में ये कहूंगा, स्टार्टिंग में फिर हाँ सर, हाँ सर, ये सर, वो सर, पूरा प्लान, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा ऑफर करो अपने अपलाइन को अपना डायरी पेन या पेज या जो भी आप जिस पे प्लान दिलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपके प्लान, वो पेजेस काम भी आएंगे आगे फ्यूचर में, क्योंकि आपको प्लान देने हैं। नहीं तो ऑफर करो, आपका अपलाइन बोल देगा कि नहीं नहीं, आई हैव माय ओन पेन एंड यू नो पेन एंड पेपर, बट आप ऑफर करो, दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड या एडिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं हम, तो ऑफर करो। और लास्ट में वही है, जैसे ही अपलाइन आपका छोड़ के जाए कि भैया चलो प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लो, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जो लास्ट में क्लोजिंग में हम करते, तो ट्राई टू क्लोज द प्रोस्पेक्ट ऑन टेबल, क्योंकि उस टाइम पे 99.99% काम आपका अपलाइन कर चुका होता है, सिर्फ 0.01% आप अपना चेहरा लाल मत करे, शर्माए मत, वो 2 मिनट का जो शर्माना है आपका, वो ट्राइपॉड खो देता है, आपको पता है इस बात का। वैसे भी देखो यार, शर्म क्या करना, बेइज्जती तो होनी है अगर वो नहीं जुड़ा तो, क्योंकि 3 लोगों को जाके बोलेगा चेन मेंबर का काम करता है ये, इससे बच के रही हो, 3 लोगों में बेइज्जती करेगा। अगर लेकिन आपने 2-3 मिनट बेशर्म होकर उससे पैसे मांग लिए, सीधा अपलाइन के जाने बाद बता कौन से प्रोडक्ट तेरे लिखूं या कैसे पैसे करेगा, बेशर्म होकर फिर ऑब्जेक्शन हैंडल करो, 5-10 मिनट बेशर्म हो गए ना दोस्तों, आईडी आ जाएगी तुरंत, लेकिन वो हमारी जो शर्म है ना उस टाइम की, वो हमारे से हमारा यू नो स्पॉन्सरिंग या ज्वाइनिंग खो देती है। तो प्लीज शर्माए ना, वो 10 मिनट शर्माने के मतलब शर्माना ना हजला हमारी जिंदगी भर के लिए हमें गरीब रख देगा, और आप एक नेस्विज में ना एक गरीब नेस्विजन कहलाए जाओगे, मतलब एक फनी वर्ड है, गरीब नेस्विजन फ्यूचर के होगे, क्योंकि नेस्विज में बहुत सारे लोग होंगे ना, क्योंकि अमीर तो मैं उसको मानता हूं आने वाले 5 साल में जिसके पास करीबन 50 करोड़ रुपया होगा नेस्विज से, अमीर तो वही होएगा। लेकिन अगर आप गरीब नेस्विजन कहलाना चाह रहे हैं तो शर्माते रहे, कोई इशू नहीं है, आगे आपका अपलाइन भी नहीं आएगा ना यार, अगर आप उसका भाई सिंपल सी बात है रिजल्ट तो है ही, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे लोग, अगर आप रिजल्ट नहीं निकालोगे तो चला जाएगा किसी और के प्लान देने भी। टू बी वेरी फ्रेंक आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू। तो आज के बाद में कुछ टेबल एटिकेट्स का ध्यान रखें, नोड करें हेड को, पेपर प्लान पे ही ध्यान रखें, फोन के उठा के इधर उधर ना लेके जाएं, कभी आप फोन पे लग जाओ कि हाँ यार मैंने तो अपने अपलाइन को लगा दिया, क्योंकि अपलाइन के भी घर से फोन आते हैं ना, इंपॉर्टेंट कॉल्स होती हैं, वो कभी उठाता नहीं, कभी ध्यान से देखना इस चीज को, आपके पता नहीं कौन से कॉल आते हैं, तो भी उठा ले तो फालतू के भी कॉल, कस्टमर केयर वाले भी उठा लेते हो आप, तो आज के बाद कॉल मत उठाना टेबल पे। और बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई है वो रखो, और बिल्कुल कमांड में रखो अपने जो गेस्ट आया उसको, और इससे आपका जो रेशियो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, कि मतलब फ्यूचर में शायद आपको कभी दिक्कत भी ना आए प्लान में, क्योंकि अगर ये चीज धीरे धीरे चीजें सुधर गई ना दोस्त, तो आइडिया आनी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जबरदस्त तरीके से। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, और शायद आज मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूं आपको, क्योंकि विच आई फेल्ट के क्यों नहीं आ रही आईडी, सारी चीज परफेक्ट होने के बावजूद भी, तो थोड़ा थोड़ा कमियों को दूर करते जाएंगे, गलतियां होना इस बिजनेस में स्वाभाविक है, गलतियां नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग, हाँ बट गलतियों को सुधार लेंगे तो वी विल बिकम यूनिक एंड परफेक्ट। और नंबर वन होना एक अलग बात है, नंबर वन को कोई भी नंबर टू कर सकता है, बट यूनिक होना, परफेक्ट होना एक अलग चीज है। आमिर खान को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया आपने उसमें, क्योंकि ही इज अ परफेक्शनिस्ट और यूनिक है, उसका स्टाइल अलग है हर चीज में, ही इज यूनिक, इन एवरी मूवी ही इज यूनिक कैरेक्टर। तो बी ए यूनिक कैरेक्टर और जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्ड करो दोस्त, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है लाइफ में, ज्यादा टाइम नहीं बचा है यार, खुद सोचो, तो क्यों हम एक दिन को वेस्ट करें, और क्यों ना हर दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। काम मत करो, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्टिव काम करो। काम तो देखो गधा भी करता है, और देखो काम चलता तो गधा भी है, चलता घोड़ा भी है, और दौड़ता घोड़ा भी है, दौड़ता गधा भी है, बट आप किस डायरेक्शन में, कैसे रिजल्ट के साथ में आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, या आपका कौन अपलाइन आपको रिजल्ट की तरफ भगा रहा है। क्योंकि देखो घोड़ा दौड़ता है ना तो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, दौड़ाता शायद उसका अपलाइन, उसका मालिक जो उसके पीठ पे बैठा है,
लेकिन उसका जो दूसरा मालिक है ना गधे का, वो उसको बस चलाता रहता है, कोई रिजल्ट नहीं आता उससे। तो ये भी चीज ध्यान रखे, कहीं आप बोझाई तो नहीं डो रहे हो इस बिजनेस में। ध्यान रखे आउटपुट, क्योंकि किस आदमी ने कितनी मेहनत करी, कितना दिन रात चले, रात को गाड़ी चलाई, दिन में चलाया, भूखे रह के प्लान दिया, एक साल के बाद में आई स्वेयर कोई भी नहीं पूछेगा, जितने भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं मार्केट में। पता क्या पूछा जाएगा जब आप प्लान दोगे आपसे एक साल के बाद में, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, नोबडी विल आस्क कितनी मेहनत करी, नोबडी विल आस्क क्या खाया, नोबडी विल आस्क तुम्हारे घर पे क्या था, कोई भी नहीं पूछेगा किसी भी चीज को। द ओनली थिंग विच मार्केट या सोसाइटी या फ्यूचर पीपल विल आस्क इज व्हाट आर योर अचीवमेंट्स। तो हमेशा अचीवमेंट्स के लिए काम करें दोस्त, और देखो जबरदस्त अपना विजन रखें। और मैं अपना विजन डिक्लेयर कर रहा हूं कि ऑन 3rd of March 2018, 3 मार्च 2018 को जब मेरे को इस कंपनी में 4 साल हो जाएंगे, तो 4 साल कंप्लीशन होने पे मैं अपने फादर साहब को, उनका बर्थडे आता है 10 मार्च को, तो 7 दिन के बाद मैं हवन कराऊंगा 10 मार्च को, लेकिन 3 मार्च 2018 को मैं 1 करोड़ की कोठी उनको गिफ्ट कर रहा हूं। दिस इज माई विजन। और अभी ये छोटा है, अभी नेक्स्ट ड्रीम सुनो। नेक्स्ट ऑन 2nd of June उनका मैरिज एनिवर्सरी होता है, एंड आई एम टेकिंग माई पेरेंट्स टू सिंगापुर। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तीसरा भी सुनो। तीसरा माई थर्ड ड्रीम इज ऑफ 2018, आई एम टेलिंग यू, टू हैव अ सेलिब्रेशन ऑफ आर टीम इन अ स्टेडियम जहां पे मिनिमम लोग हों 3000। अब जो अचीवर्स हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, बाली अचीवर, थाईलैंड अचीवर, ऑल पिन अचीवर, स्टार्टिंग विद रूबी एंड ऑल, रूबी एंड अबव, वो सारे उस स्टेडियम में रेड कार्पेट पे चलेंगे, पीछे 5 या 6 LED चल रही होंगी, अलॉन्ग विद योर फैमिली, यू विल बी गिवन अ चांस टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स आप बोलेंगे 3000 लोगों के सामने अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स। तो जितना जल्दी हो सके बाली अचीव करें, जितना जल्दी हो सके रूबी बने, जितना जल्दी हो सके अपना नेक्स्ट पिन पे जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मैं बता रहा हूं आपको। और 5 नवंबर 2018 को अभी मैंने जस्ट ड्रीम बनाया है ये जबरदस्त, हयात मानेसर वहां पे 1200 लोगों की मैं RTP करूंगा 5 नवंबर 2018 को ऑन माय बर्थडे, और जबरदस्त RTP होगी वो, आज तक की मतलब सबसे बड़ी RTP करने की सोची मैंने, ये मेरे दिमाग में ड्रीम आया है टू हैव एन RTP ऑफ 1200 पीपल, और जबरदस्त होगा ये, कुछ मेरे ड्रीम्स हैं। और दोस्त जब मैं सोच के, क्योंकि देखो सोच के ही कुछ करते हैं हम, और ये सोचा है मैंने और ये होगा। अब मैं अगर सोचता ही नहीं 1 करोड़ का कोठी लूंगा मैं, तो कितने का आता, कुछ भी नहीं आता। तो सोचो सबसे पहले, राइट डाउन योर ड्रीम्स, अभी अगर कुछ ड्रीम दिमाग में आ रहे हो, कुछ आत्मा जगी हो, तो अपने ड्रीम अभी तुरंत लिख लें और डिक्लेयर देम टू द वर्ल्ड, डिक्लेयर उनको, बोलो वर्ल्ड को, जो दुनिया को बोलोगे वो दुनिया तुम्हें पलट के देगी। गाली दो दुनिया को, तुम्हें गाली मिलेगी वापस में। तुम किसी को विश करो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बदले में मिलता है। तुम किसी को राम राम बोलोगे तो तुम्हें राम राम मिलता है बदले में। तो अगर तुम बोलोगे दुनिया को कि मेरे को 1 करोड़ का कोठी चाहिए, मुझे कुछ भी, मतलब वट एवर मे बी योर ड्रीम्स, मे बी इट इज लाइक आपको अपनी फैमिली को कहीं घुमाना है, या गोल्ड चेन देना है, कुछ भी, वट एवर योर इमोशनल ड्रीम्स। क्योंकि देखो जितने मेरे ड्रीम है सारे इमोशनल है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी से ड्रीम था कि उनका खुद का कोई घर हो और बहुत आलीशान घर हो, एक उनका ड्रीम था, मतलब मेरे मम्मी पापा का हमेशा से ही रहा, तो मैं उनको वो लेके दे रहा हूँ। तो ऑलवेज हैव इमोशनल ड्रीम्स, क्योंकि इमोशंस ही आपसे काम करवाएंगे इस बिजनेस में, और कोई भी काम नहीं करवा सकता, नॉट इवन योर ड्रीम्स बट इमोशनल ड्रीम्स। क्योंकि मोबाइल अगर 70,000 का है, 60 का ले ले तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अपने मम्मी को 60,000 का मोबाइल देना 70 का, तो 70 का ही होगा। या गोल्ड ज्वेलरी देनी है, रिंग देनी है, तो रिंग ही जाएगी, वो सिल्वर रिंग नहीं होगी, वो गोल्ड रिंग ही होगी, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड विद योर इमोशन। तो जबरदस्त पैसा कमाए दोस्त, और मेहनत करे दिन रात को एक कर दे बिल्कुल, खाना पीना छोड़ दो 6 महीने के लिए, कम सो कम खाओ, सब कुछ कम करो, पैसे ज्यादा कमाओ, क्योंकि 6-7 महीने बाद जो दोस्त नहीं जुड़ रहे ना अभी आपसे, जितने भी गेस्ट आपके, वो सब पूछेंगे भाई कितना कमाया, कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, अचीवमेंट्स देखेंगे दोस्त आपकी। तो दिस इज संदीप नरवाल साइनिंग ऑफ, और जल्दी मैं अगली कुछ आपको दूंगा। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे को फीडबैक दो कि किस टॉपिक पे मैं अब आपको अगली बार समझाऊं, मेरे को पर्सनल मैसेज मेरे को करना, मेरे मैसेज नंबर पे मेरे को पर्सनल प्लीज सजेस्ट कीजिए, सो दैट मैं आपको अगले टॉपिक के लिए गाइड करूं जिसमें आप बहुत मार खा रहे हो, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा फेलियर मिल रहा है। तो प्लीज सजेस्ट मी सो दैट आई कैन यू नो सजेस्ट यू और गिव यू फीडबैक, ये कर सकते हैं आप। और लव यू ऑल,
सारे मिलकर करोड़पति बनते हैं दोस्त, और जल्दी 2020 में जब मैं बेंटली में चल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ड्रीम और डिक्लेयर करता हूँ, यस दोस्त 2.25 करोड़ का बेंटली ले रहा हूँ मैं 2020 में, ऑन 3rd of March 2020, जब मुझे इस बिजनेस में 6 साल हो जाएंगे, तो आई वुड बी द यंगेस्ट बेंटली अचीवर इन इंडिया, तो जबरदस्त मजा आएगा। और उस टाइम पे आप देखो, बेंटली मैं लूंगा यार 2.25 करोड़ की, तो मेरे नीचे करीबन 100 मर्सिडीज ऑडी बीएम ड्राइवर चाहिए, तो 100 लोगों में बने, जल्दी जल्दी करें, और ये बहुत जल्दी करें क्विक, क्योंकि मेरे को तो चाहिए, मैं ऐसे लोग ढूंढ लूंगा जिनको ऑडी मर्सिडीज चाहिए, तो आप उनमें से बनेंगे, तो इट्स बेटर फॉर यू। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।